शांत हो जाइए। बाबू चुप कराओ। जाने नहीं दिए हैं सब। लखनऊ आप लोग चले गए थे? यहाँ यहाँ आज योगी बाबा बैठते हैं ना। तीन दिन से लाश लेकर घूम रहे हैं उनसे मिलने के लिए, अपना सर दुख विपत बताने के लिए, लेकिन कोई उनसे मुलाकात हम लोग का करा नहीं रहा है। एक गोरखपुर के हम लोग हैं और आप हमारा साथ देते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगर गोरखपुर के निवासी हमें आप लोग जानते हैं तो जात के थोड़े हम नान जात हैं। हमारे पास नान जात क्या होता है भाई? नान जात क्या होता है? जात के हरजन हमारा नहीं तो इसका क्या मतलब नान जात क्या होता है? इंसान नहीं हो, डांट के भगा दिया जा रहा है। इंसान नहीं हो, इंसान है लेकिन डांट के भगा दिया जा रहा है। वहाँ बात हो रही है पैसे की, बात कुछ भी, वहाँ हम लोग के लिए ताला मार दिया जा रहा है कि तुम वहाँ नहीं आओगे, चलो बाहर हो जाओ। गोरखपुर दो दिन मुख्य मंत्रालय को हाथ गोड़ जोड़ के मिलना चाह रहे। अखबारों में एक हेडिंग छपी और वो हेडिंग सुनने के बाद गोरखपुर पुलिस से भरोसा उठ गया है सर। अगर उस हेडिंग में सच्चाई है और ये लोग जो आरोप पुलिस प्रशासन पे लगा रहे हैं तो आज गोरखपुर पुलिस पे सच में बता रहा हूँ कि भरोसा उठ जाएगा। बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। कैमरा थोड़ा क्लोज कर लीजिए। एक लड़की का रेप होता है और उसके बाद से जो है पुलिस मामले को दबाने का प्रयास करती है, धमकियाँ दी जाती हैं और उसी रेप की वजह से लगातार जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा था अब उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उन लोगों ने मिलके जो है आपके पति की हत्या कर दी, आपके पति की। क्या पूरा मामला क्या हुआ है? पूरा मामला सर यही है, जैसे हमारी 16 साल की बच्ची नाबालिग थी और हमारे घर में शादी थी। शादी के दौरान हम लोग व्यस्त थे शादी में। लड़की खेत और गई बाथरूम करने, खेत और गई, खेत में उसकी छोटी भतीजी सिद्धि नाम की लड़की थी उसके साथ भी गई। उसके बाद में वो खेत में गई तबले अजय का बेटा रवि स्कॉर्पियो लिया करके खड़ा कर दिया। खड़ा करके दो तीन लवंडे मिल करके उसे चाकू दिखाकर जान से धमकी मारने के दे के उसको का गाड़ी में ले जाकर डाल दिए। डालने के बाद में लड़की को नशीली दवा खिला दिए, पानी में डाल करके नशीली दवा खिला दिए। नशीली दवा खिलाने के बाद लड़की बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, उसको लेकर चले गए इलाहाबाद। इलाहाबाद ले जाने के बाद उसको उसके परिवार वालों वहाँ से लड़की को गायब कर दिए दिल्ली। दिल्ली गायब कर दिए। हमने खोजा बहुत, हम थाना में गए। थाना में जाने के बाद हम पुलिस वाले कहें कि लड़की के साथ दुष्कर्म करें, बलात्कार किए और लड़की को लेकर दिल्ली चले गए। तो हम थाना में गए, फैयार लिखाने, थाना वाले बोल रहे थे कि आज कल में लड़की मिल जाएगी। उसके बाद में मतलब तुरंत एफआईआर नहीं लिखे? एफआईआर तुरंत नहीं लिखे, अच्छा हम लिखवा करके डालें। उसके बाद में फिर गए हम एसपी ऑफिस गोरखपुर आए। गोरखपुर आए, आने के बाद में उसमें मुकदमा लिखवाएं, अच्छा उसको डाल दिए। डालने के बाद में एसपी साहब ने फोन किए थाना पर, बोले कि शाम तक बच्ची को मिल जाना चाहिए। तो वो लोग पुलिस वाले हमारे लड़के को, हमारे रिश्तेदार को दिल्ली ले गए, साथ में दिल्ली ले गए। वहाँ से लड़की को सब बंद कमरा में रखे थे। बहुत पुलिस वाले खोजे, खोजते खोजते, दिल्ली छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है सर, अच्छा वहाँ पे खोजे, खोज करके लड़की को मिल गई। लड़की को लेकर आए, लड़की को लेकर घर थाना पे आए। थाना पर आने के बाद में लड़की को सब उसका आदमी टूट गए, अजय के बड़ बड़ लोग आ गए। आने के बाद में लड़की को धमकियाँ देने लगे कि अगर जो बयान गलत नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे भाई के मार देंगे, तुम्हारे बाप के मार देंगे, तुम्हारे मम्मी पापा के, चाचा के, तुम्हारी खानदान के भी मार देंगे। फिर भी लड़की डर से 161 का बयान उसी तरफ से वो दिलवा दिए। दिलवाने के बाद में फिर लड़की को महिला कस्टडी में भेजे, लड़का को जेल भेजा गया। उसके बाद में लड़की का मेडिकल जांच जो रिपोर्ट हुआ सर, उसमें वो रिपोर्ट को सही नहीं निकाले। वो 80,000 रुपया दे दिए मेडिकल में, डॉक्टर को 80,000 रुपया देकर। कैसे आपको ये बात पता चला? ये बात हमारे पता चला, वो हमारे यहाँ का आदमी मेडिकल में रहता था।
वो जो मिडवाइफ हमारे यहाँ के उसका लड़का रहता था और ये बात हमें पता चली कि मतलब किसी के माध्यम से आपको पता चला। हमको किसी के माध्यम से, वो खास माध्यम है किसी को और नहीं, उसे खास घनिष्ठता थी। और वो 80,000 रुपया दे करके उसका कोई जांच नहीं निकलवावा, जांच नहीं निकला लड़का को। और आप लोगों के ऊपर बार बार ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि केस वापस ले लीजिए। तो उसके बाद में 2-3 डेट पड़ा उसका बेल नहीं होना, उसका बेल नहीं हुआ सर। तो बेल नहीं हुआ तो वो बेर बेर धमकियाँ देते आए सर कि सुल्ला कर लो, अपना मुकदमा उठा लो, नहीं जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर देंगे, गोली मरवा देंगे सोने में, और तुम लोग को नहीं। हाँ, तो आप लोग फिर लखनऊ क्यों गए, मतलब लखनऊ आप सुनिए ना, लखनऊ हाँ, किस तरह गए हम बता रहे हैं सर। हाँ, हाँ। उसके बाद वो लोग धमकियां देने लगे जान से मारने के, बच्चों को गायब करने के लिए और बच्चों को गुडनैप करने के लिए। हमारे छोटे छोटे नाती नतकुर बच्चे हैं, लड़के हैं सभी। फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ, आगे जब ये सब, अब मतलब अब ये हादसा, उसके बाद से फिर जो है सुनिए हम बता रहे हैं। तो जो हम सुल्ला नहीं किए, मुकदमा नहीं उठाए, इसी वजह से वो धमकियां देते आए। हम DIG के यहाँ एप्लीकेशन डाले, कोर्ट में एप्लीकेशन डाले सर, और इसके बाद में थाना में कई कई बार बोले कि देखो हम लोग को धमकियां दे रहे हैं। तो पुलिस वाले बोले कि अगर धमकियां दे रहे हैं तो कोई वीडियो दिखाओ, कोई रिकॉर्ड दिखाओ, तब हम मानेंगे सर। हम यही से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में हमारे देवर की हत्या हो गई और हमारे जो परिवार मिल गए होते तो हमारे पूरी परिवार खत्म हो जाते सर। हमारे ये लड़का को मार देते, ये लड़का को मार देते, हमारे पति को मार देते, हमारे पूरी परिवार को मतलब खत्म। लोग ग्रुप में आए थे, ग्रुप बना लिए हैं। 10 लाख रुपया में वो तय थे कि अगर इन लोगों को मार देंगे तो 10 लाख रुपया देंगे। संजय, सुनील, अजय और ये लोग आपके गांव के ही लोग हैं? हाँ, गांव के। कालो, विशाल, ये सब कालो उर्फ विशाल, ये सब अजय, संजय, सुनील, मेजर, ये सुकरिल्ला और जलालू। मतलब आप लोगों ने ये नाम दिया है ना उसमें, नाम दिया रिपोर्ट में। और बहुत बहुत लोग मिलकर जान से मार दिए, हमारे देवर का हत्या कर दिया। बाकी घटना हमारी क्या क्या हुआ था, मतलब आपके सामने ये सारी चीजें हुई? हमारी आग के सामने, हमारी पति का, हम दुर्गा पूजा के दिन, दशहरे का दिन, हमारी पति का शाम को 7 बजे हमारी पति का, हम दोनों घर पर थे, हमारी बेटी बेटा जैसे 5 लड़के हैं। आप पीटते हैं क्या? नहीं, 5 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, 5ों मेला देखने चले गए। हम दोनों घर पे थे, हमारी आँख के सामने हमारे पति का हत्या कर दी, इस पर मार दिए सब। हाँ, इस पर हमारे सर पर मारे हैं, इस पर आपको भी मारे हैं? चोट लग गया, थोड़ा सा कैमरा इधर लाओ, बहुत चोट लगा, ये थोड़ा सा दिखाओ, ये जो है इसके दिमाग में राड से मार दिए हैं। ये थोड़ा हाथ हटाइएगा, ये दिखाओ, चल बंद कर लीजिए। इसके बच्चों का, लड़का का भी मारे, लड़का दौड़ा दौड़ा मारा गया हमारे सामने, हमारे पापा को मार दिया गया, हमारे घर में घुस के उन 15-16 लड़कों ने मारा है, हमने सबको देखा है, सबका नाम भी जानते हैं। मेजर ओम सुकरिल्ला, तुम कहाँ थे उस समय? उस टाइम हम घर ही पे थे, हमारे पापा को हमारे सामने मारने लगे। 10-20 लड़का, अभी 2 आदमी कैसे बचा लेंगे हमारे आदमी को? हम देखें, हम हमारे लाठी से हम गिर गए, हमारे लड़का के ले जाकर खींच के मारने लगे बाहर। तुमको भी मारे? हमें भी मारे सर, चोट लगा, सीन होने पे चोट लग गया है, वहाँ पे पूरा लगा है सब। बंद कीजिए। बस हम लोग लड़के के बचाने लगे, तब तक पीछे से राड से हमारे आदमी के मारे, बस आदमी हमारा गिर के मुंह रहे, नाक रहे। उसके बाद से फिर क्या हुआ? हमारे आदमी उसी लायक एक्सपायर हो, फिर पुलिस के पास आप लोग जाते हैं? पुलिस के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ? बड़हलगंज में सुनवाई कोई नहीं हो रहा है। जब रिफर बड़हलगंज से हो गया तो हम गोरखपुर ले आए। कौन डॉक्टर यकना हुआ? अजय, हाँ ले आए, हाँ ले आए गोरखपुर में, तो ये भी फेल कर दिए, तो ले गए हम लखनऊ, तो रास्ते में खत्म हो दिया, हम कार्यालय चले गए।
फिर आप लोग कहाँ चले गए? लखनऊ कार्यालय चले। कहाँ, किस कार्यालय? मुख्यमंत्री कार्यालय। हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय। लेकिन मुलाकात कोई नहीं करा रहा है, जनता दरबार एक 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 लोग कोई मुलाकात करा नहीं रहा। आप आके आइए, आज योगी बाबा की जनता दरबार में मुख्य न्यायालय योगी आदित्यनाथ सर से लगे हैं हम, तो पुलिस वाला हमको जाने नहीं दिए हैं। सब लखनऊ आप लोग चले गए थे? यहाँ यहाँ आज योगी बाबा बैठते हैं ना, इनसे लाश लेकर घूम रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, अपना सर दुख विपत बताने के लिए, लेकिन कोई उनसे मुलाकात हम लोग का करा नहीं रहा। एक लोग और नहीं तो और ऊपर से घूस घास लेके हम लोग का केस सब खा जा रहे हैं। हम लोग 8-10 दिए हैं, फाइल का है, फाइल लाओ दिखाएं इन लोगों, मतलब सर को, हम फाइल दरखास्त दिए कि हमारे चाचा, हमारे भैया, हमारे काका को खतरा है जान माल का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग पहले अपने बहुत और आगे आइए। बहुत बार दिए हैं, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार दिए हैं, 10 बार दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। बरहलगंज के थाना आशीष दुबे जो थे हमारे केस के विवेचना सीओ, वो घूस घास खा के वो अभी उस केस को दबा दिए, मतलब उसके लड़की के माता पिता का भी उसमें पूरा हाथ है, लड़की के माता पिता भी आजाद घूम रहे हैं। अभी तक कोई सुनवाई हम लोग का हुआ नहीं है, जश्न मना रही है, जश्न मना रही है, दारू डीजे बाजा लगा के 10 लाख का डील हुआ है कि जिस दिन मेरे चाचा गौतम का हत्या हो गया, वो मर गए, जिस दिन बॉडी फूक दी जाएगी उस दिन 10 लाख रुपया दिला जाएगा, खस्सी भेड़ा कटवा के एकदम बकरे की पार्टी होगी, पूरी गाँव को जश्न होगा। और मरवाए हैं रिंकू, दिनेश पत्नी, उसका लड़का के का नाम मेजर नाम है, उसी का लड़का, वो यहाँ पे भी चोट लगा है। हाँ, चोट लग गया है, सब लगा है, पैर और में सब चोट लगा है। बॉडी का भी फोटो आप ले लीजिए, बहुत चोट लगा रखे है। हाँ, बॉडी का फोटो लीजिए। चलिए अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो उसके बाद से फिर आप लोग लखनऊ मतलब गए? लखनऊ से फिर आपको मुलाकात नहीं हुआ? एक मिनट, एक कोई बात या तो आप कीजिए, रुकिए, मुलाकात मुलाकात नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से बोला गया गोरखपुर, गोरखपुर आप आ गए। गोरखपुर से हम 2 ही बजे, हम लोग 11 बजे तक हम लोगों को थाने पे बस इधर उधर करके बैठा है। अभी मैं आपको आपसे भी बात करूंगा। वहाँ लखनऊ से हम लोग को रातें रात आए फौरन गोरखपुर न्यायालय पे, यहाँ भी हम लोग को पोस्टमार्टम जनता दरबार में भी योगी सर से मुलाकात नहीं हुई। हम लोग को न्याय दिलाने के चक्कर में ये लोग नहीं है, ये लोग चाह रहे हैं ऊपर से घूस लेके हम लोग का केस दबा लिया जाए और हम लोग को जान से मरवा दे। हमारा पूरा परिवार, पूरे खानदान के लोग यहीं पे घूम रहे हैं डर के मारे, वो लोग लाठी डंडा हथियार अनभी गन पिस्तौल जो भी है उनके पास, उन सबों के पास पूर्व प्रधान है, अजय पूर्व प्रधान है, उसके पास सोरस बहुत ज्यादा है, पावरफुल आदमी है सर, पावरफुल आदमी, वो कोई ऐरा गैरा नहीं है सर, यहीं पे है। आप लोग क्या चाहती हैं? हमको अन्याय, एक लोग कोई बोलिए, हमको अन्याय, अजय प्रधान का, आज रिंकू उर्फ दिनेश का घर बुलडेजर गिरवाना है, घर उसका अशुक्रिल्ला का घर, बस यही चाहिए। संजय को चलिए सब मिला जुला के कड़ी से कड़ी सजा कराने की कोशिश करिए। हम लोगों का गए हैं बाबा के दरबार में गए हैं, पुलिस वाला हमको जान ही नहीं, हम लोगों का हाथ जोड़ के आपसे निवेदन आदित्यनाथ योगी सर मुख्यमंत्रालय से हाथ जोड़ के कि कड़ी से कड़ी इनको सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी उम्र कैद की जाए, तभी हमारे चाचा को आत्मा को शांति मिलेगा। अगर गोरखपुर के हम लोग हैं और आप हमारा साथ देते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगर गोरखपुर के निवासी हमें आप लोग जानते हैं तो जात के थोड़े हम नान जात हैं, हमारे पास नान जात क्या होता है भाई? नान जात क्या होता है? जात के हर जन हमारा सुनवाई तो इसका क्या मतलब? नान जात क्या होता है? इंसान नहीं हो, डांट के भगा दिया जा, इंसान नहीं हो, इंसान है लेकिन डांट के भगा दिया जा रहा है। वहाँ बात हो रही है पैसे की, बात कुछ भी, वहाँ हम लोग के लिए ताला मार दिया जा रहा है कि तुम वहाँ नहीं आओगे, चलो बाहर हो जाओ। गोरखपुर 2 दिन मुख्य मंत्रालय को हाथ गोड़ जोड़ के मिलना चाह रहे लेकिन कोई मिला नहीं रहा है, सब मिला जुला के। एक मिनट, ये रिंकू का घर और रिंकू और का नाम है वो का नाम दिन अजय का घर, रिंकू का घर, सुकरिल्ला का घर, ये सब के घर बुलडोजर चलना चाहिए सर। योगी बाबा योगी से हम यही निवेदन करते हैं सर कि उनको घर बुलडोजर चलना चाहिए। चलिए, बहुत ज्यादा आक्रोश है इन लोगों के अंदर, आप इस तरह से समझिए कि हमारे लड़की को बलात्कार, मैं समझ रहा हूं, मैं सारी बातें हो गई चाची, थोड़ा सा हम लोग बहुत देर तक बात करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ ठीक है, सारी बातें हो गई है ना, अब मैं थोड़ा सा क्लोज कर लूँ। ठीक है ठीक है, बहुत आक्रोश है इन लोगों के अंदर, इन लोगों को समझा पाना, इनकी लैंग्वेज से आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी पीड़ा क्या है। एक
इनकी लड़की के साथ बलात्कार होता है, इनके पति की हत्या हो जाती है, इन लड़कों के साथ मारपिटाई होती है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। पुलिस मुख दर्शक मतलब पुलिस के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं ना सर, ये इतनी निंदनीय है, इतने निंदनीय है, मुझे लगता है कि ऊपर के जो आला अधिकारी हैं उनको कम से कम इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और जो नीचे के अधिकारी हैं ना CO SO सर थोड़ा मॉनिटर ढंग से कीजिए सर। बहुत शिकायतें मिलती हैं, हर रोज़ शिकायतें मिलती हैं, सरकार सैलरी देती है उसके बाद भी जो है ऊपरवार पैसे कमाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, जांच का विषय है ये, लेकिन अगर मतलब ऊपर ही कमाई के चक्कर में अगर एक एक छोटे छोटे मतलब बलात्कार जैसे विभत्स मामले में भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो ये काफ़ी निंदनीय है। इंसाफ मांगता एक मिनट, तमाम दिक्कतें हैं और मतलब ये लोग भरे पड़े हैं, मैं इनसे बुलवाऊंगा तो ये लोग दिन भर बोलते रह जाएंगे, ये लोग इतने भरे पड़े, इतने आक्रोशित हैं, बस अब यही निवेदन है, मरद नहीं मारा है, वो सब हाथ ही मार यही इधर कर रही है, क्या कह रही हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे घर का सामान ही के मार दिया है, अब कोई नहीं है, वही था एक, इतना हम लोग के घर नाश कर दिए। हिम्मत रखिए, न्याय होगा आप लोगों के साथ, सब मिला जुला के अब मैं क्या बोलूं, मैं बस वही है कि मैं बोलता हूं तो आप लोगों को लगता है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो आप लोग के निगाह में हो आप देख सकते हैं ये पीड़ा, ये कष्ट, ये तकलीफ। योगी जी, पुलिसिया सिस्टम वाकई में बहुत गड़बड़ है, हो सके तो ध्यान दीजिए, नहीं तो जितना भी आप दावा करते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में अपराधी थर थर काँप रहे हैं, इन पुलिस इस तरह के अगर पुलिस इस तरह से अगर पुलिस वालों पे आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं वो बड़ा गलत मैसेज जाएगा सर, और ये ठीक नहीं है, अगर इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो ये किसी भी हालत में ठीक नहीं है सर, ये बहुत बड़ा कलंक है, ये गोरखपुर के ऊपर कलंक है, ये न्याय व्यवस्था के ऊपर कलंक है, ये न्याय के प्रहरियों के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, ये आपके सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, और यह कलंक बहुत गलत है, बहुत गलत है, मेरे पास शब्द नहीं। मृतक है उनकी माता जी हैं, आपके बच्चे थे, आप वहाँ पे थी, वहाँ पे हमारे बेटा कहीं तक पकड़ के मरो ले बाना आई है, हियर हियर आई, हियर आई, देखिए यही तक पकड़ के हमके ऐसा खींच के फेंक दे ले बाना आ मार के आ वो के लाठी लाठी अर्थ मारत मार दठौरा आ वो पकड़ ले भाई। ठीक है ठीक है चाची, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, आपको भी लाठी लगा है? हाँ सब का पटक दिले बाना, देखिए नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे चोट लगा है इनको, मतलब पूरे परिवार को मारा पीटा गया है, आप इस तरह से समझिए, मतलब जो लोग नहीं थे वो लोग बच गए, लड़कर के खोजले बाना मुंह आवे के घर पीट न ले बाना, लड़के लुका गए बाना तो भी डर के जान बंद कर लो हमार बुलेट हो तोड़ दे।